अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ के टेस्ट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुकूमत का बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध का नाम ईसीएल से निकालने का ऐलान। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी पर भी चढ़ाई कर दी। कहा ओमनी ग्रुप के असल मालिक जरदारी हैं, उनको फायदा पहुंचाने में मुराद अली शाह का अहम किरदार है। शहजाद अकबर बोले, मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो को तफ्तीश से इस्तिस्ना नहीं मिला। आसिफ जरदारी के सर से फौरी खतनाम टल गया। जाली बैंक अकाउंट केस नैप के सपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैप जिसे चाहे बुला सकता है। ओमनी ग्रुप के खिलाफ इतना मवाद है कि आंखें बंद नहीं कर सकते। ग्रुप का सियासतदानों और बहरिया टाउन से गठजोड़ देखना है। बड़ी अदालत से जियालों के लिए बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के हुक्म जारी कर दिया। जीआईटी रिपोर्ट से बिलावल के नाम वाला हिस्सा निकालने का कह दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिलावल भुट्टो का करियर बेदाग है, इस मासूम का नाम क्यों शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आने पर जियाले खुश। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज कोकर ने काबीना से मुआफी मांगने का मुतालिबा कर दिया। कहा अदालत के आज के फैसले से जीआईटी के साख खत्म होगी। वजीर आला सिंध से इस्तीफा मांगने वाले अब खुद मुस्ताफी हों। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी पीपल्स पार्टी को खुशखबरी मिल गई। बैंकिंग कोर्ट ने जरदारी और फरियाल तारपुर की हिफाजती जमानत में 23 जनवरी तक तौसीक कर दी। रिमार्क्स थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से रुका हुआ है, इजाजत के बगैर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। अदालत में फरियाल तारपुर की तबीयत खराब, पानी मांग लिया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई काबीना की बैठक, सूबे में नई भर्तियां करने की मंजूरी दी गई। सरकारी रिहायश की अलॉटमेंट पॉलिसी और महकमे इन्वेस्टमेंट का कायम से मुतालिक भी खौर। भारत की सरहदी दहशतगर्दी जारी। एलओसी पर भारतीय फौज की बलाश्तियाल फायरिंग से मोहम्मद अजीम नामी शहरी शहीद, एक खातून जख्मी हो गई। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। नई गज डैम की तामीर के लिए फंड जारी न करने पर चीफ जस्टिस बरहम, अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर वजीर खजाना को साथ लाने का कह दिया। रिमार्क से लगता है हुकूमत डैम बनाना ही नहीं चाहती। मोहम्मद डैम के इफ्तिताह की तारीख अदालत के इल्म में लाने के बगैर कोई तब्दीली नहीं की गई। और बिजली की आनिया जानिया कम ना हुई। शहरों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। दही इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली गायब रहने लगी। हेडलाइंस आपने जानी। आप न्यूज़ के टेस्ट ट्रांसमिशन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।